मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुण देव राम महाराज की जय। सद्गुण सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुण शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की। राग भैरवी भजन टीह परमेश्वर को मन में लागत प्रेमा भक्ति प्यारी। परमेश्वर को मन में लागत प्रेमा भक्ति प्यारी। जात पात कुल रूप दाम पर रीझत ना बनवारी। अरे राम राम। परमेश्वर को मन में लागत प्रेमा भक्ति प्यारी। परमेश्वर को मन में लागत प्रेमा भक्ति प्यारी। जीव जसी में प्रेमा भक्ति सो प्रभु का प्यारा। भक्तहीन भल ब्राह्मण होवे लागत हरि को खारा। भक्ति वाला भील चंडाला भावत सो कर तारा। केवल निज भक्ति पर प्रसन्न होते हरि हितकारी। अरे राम राम। परमेश्वर को मन में लागत प्रेमा भक्ति प्यारी। परमेश्वर को मन में लागत प्रेमा भक्ति प्यारी। भवसागर के तरने हित बहु साधन वेद बखाने। सबते प्रेमा भक्ति ऊंची कहते संत सियाने। प्रेम भक्ति में लागत है जो ताको हरि सन माने। तांते सर्व ओट तज कर ले प्रेम भक्ति हर वारी। राम राम। परमेश्वर को मन में लागत प्रेमा भक्ति प्यारी। परमेश्वर को मन में लागत प्रेमा भक्ति प्यारी। सतगुर त्रेता द्वापर युग में तप यज्ञ पूजा गाई। कलयुग में एक प्रेमा भक्ति भगवत के मन भाई। अन साधन से जो फल मिलता सो दे भक्ति सदाई। तीन लोक में प्रेम भक्ति सम और न को सुखकारी। राम। परमेश्वर को मन में लागत प्रेमा भक्ति प्यारी। परमेश्वर को मन में लागत प्रेमा भक्ति प्यारी। कहता टेऊ ताते हर की प्रेमा भक्ति की जे। प्रेम भक्ति के करने की तुम गुर से युक्ति लीजे। मानुष तन को पाकर जग में प्रेम भक्ति रस पीजे। प्रेम भक्त बिन जीवन व्यर्था जानो जगत मंझारी। राम। परमेश्वर को मन में लागत प्रेमा भक्ति प्यारी।
प्रेमा भक्ति प्यारी। राग भैरवी भजन 30। परमेश्वर को मन में लागत प्रेमा भक्ति प्यारी। जाति पाति कुल रूप दाम पर रिझत ना बनवारी। परमात्मा को प्रेम और भक्ति प्रिय है। प्रेम युक्त भक्ति उसका नाम है प्रेमा भक्ति। तो भगवान जात पात कुल नहीं देखते, शारीरिक स्वरूप सुंदरता या कुरूपता पे ध्यान नहीं देते, धन है या निर्धन है उस पर ध्यान नहीं देते। वो केवल मन के प्रेम को देखते हैं। जिस किसी को भी मन में प्रभु परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है वही ईश्वर को प्यारा है। प्रेम बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। ब्राह्मण हो लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं हो तो वो प्रभु को प्रिय नहीं। चंडाल हो लेकिन मन में जिसके भक्ति भरी हुई है वो चंडाल भी परमात्मा को भाता है, प्रिय है। केवल भक्ति पर ही वो परमात्मा सबका भला करने वाले केवल भक्ति पर ही प्रसन्न होते हैं। संसार सागर से तरने के बहुत साधन हैं, लेकिन प्रेम भक्ति उसमें सबसे ऊंचा साधन है। संत महापुरुषों की वाणी ये उपदेश देती है, जो प्रेम भक्ति में मन लगाता है ईश्वर परमात्मा भी उसे प्रेम करते हैं, उसका वहां पे सम्मान है ईश्वर की दरबार में। इसलिए सब आश्रयों को छोड़ के प्रेम भक्ति में मगन हो जाओ, उस ईश्वर परमात्मा के प्रति मन में प्रेम रखो। सत्ययुग त्रेता द्वापर युग में तप यज्ञ पूजा गाई। सत्ययुग में तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा आराधना प्रमुख कही गई। लेकिन कलयुग में मन में प्रेम भक्ति रख के नाम का स्मरण करना उसकी सबसे बड़ी महिमा है। अन्य साधनों से जो फल मिलता है वो प्रभु की भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए त्रिलोक्य में प्रेम भक्ति के समान परम सुखदायक और कुछ भी नहीं। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा में प्रेम रख के उसकी भक्ति करो। लेकिन कैसे भक्ति की जाए? गुरुदेव के पावन चरणों में बैठ के उनसे युक्ति सीख के उस युक्ति के अनुसार भक्ति और प्रेम में मन को मगन करो। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके प्रेमा भक्ति का रस पीना यही श्रेष्ठ मार्ग है। बिना प्रेम बिना भक्ति के जीवन व्यर्थ है। तो इस भजन में श्री गुरु महाराज जी ईश्वर की प्रेम भक्ति की महिमा का बखान कर रहे हैं। पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खानी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत
आयो मान स्वरूप में सतगुर टेउ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।